फ्लूइड डायनेमिक्स है ना, एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन आते हैं इधर से भी। तो फ्लूइड डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के अंदर हमारे कंसेप्ट क्या है, सबसे बड़ा कंसेप्ट जो आएगा वो आएगा बर्नौली का कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है, व्हाट इज द फ्लूइड डायनेमिक्स? जब हम फ्लूइड के मोशन को स्टडी करें और वहां हम प्रेशर फोर्सेस को भी कंसिडर करें अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, उससे रिलेटेड हम इक्वेशंस वगैरह बनाए, तो जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो नोट करो, द फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड, इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विद द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो। द फ्लूइड डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विद द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो। फ्लूइड काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट हुआ था ना, मैंने आपको दो तरीके की स्टडी बताई थी, बताई थी या? एक तो यूलर्स अप्रोच था और एक था लैग्रेंजियन। व्हाट वाज द यूलर अप्रोच? यूलर अप्रोच क्या था? किसी पॉइंट पर बैठा है और वो उस जगह से, उस सेक्शन से पास होते हुए फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रहा है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या था, क्या आप पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर रहे हो, मतलब वो पार्टिकल जहां जहां से भी गुजरेगा ना उसको देखते जा रहे हो, और एक क्या कर रहे हो, इस पॉइंट को देख रहे हो, मेरा एक फिक्स पॉइंट है इसको मैं देख रहा हूं, और उसके बाद में यहां से जो जो भी गुजर रहा है उसको देखा जा रहा है। देखने का तरीका है, स्टडी करने का तरीका है। यहां पर भी आपके जो फोर्सेस जब आप इंक्लूड करते हो या नहीं करते हो तो अलग अलग तरीके की इक्वेशंस आती है। तो हेडिंग डालो इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब आप फोर्सेस स्टडी करोगे, बहुत तरीके के फोर्सेस हैं जो कि फ्लूइड पार्टिकल्स पर लगते हैं, तो उन पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस को देख करके हम ये बताएंगे कि हम किस टाइप का मोशन स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो नोट करना, द इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन आती है, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन में द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख लो जरा, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूलर ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो इन्होंने इस तरीके से कंडीशन बनाई कि इनको बस फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिला और फोर्स ऑफ प्रेशर मिला। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ प्रेशर को कंसीडर करते हुए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए और इसी पर स्टडी किया, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ प्रेशर, बस ये दोनों चीजें फ्लूइड पार्टिकल पर लगे, उससे रिलेटेड मोशन को इन्होंने स्टडी किया और जो इक्वेशन इन्होंने दी उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, है ना, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अभी आ जाएगी थोड़ी देर बाद में कि ये इक्वेशन इन्होंने क्या दी थी, है ना, नोट करो। सेकेंड है नेवियर स्टोक इक्वेशन, है ना, नेवियर स्टोक इक्वेशन। स्टोक याद है कि स्टोक कब आया था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि अगर आप ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स के अलावा विस्कस फोर्स को भी इंक्लूड करो तो इक्वेशन कहलाती है नेवियर स्टोक इक्वेशन, है ना। तो आप अपनी स्टडी में ग्रेविटी को कंसिडर करोगे, आप कंसिडर करोगे प्रेशर फोर्सेस को और आप कंसिडर करोगे विस्कस फोर्सेस को। तो बेसिकली यूलर ने अपनी स्टडी जब की होगी तो इन्होंने इस तरीके से स्टडी की कि विस्कस फोर्सेस बहुत कम मैग्नीट्यूड के थे, तो नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने, है ना। तो आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इसको देखते हुए कि इन्होंने नेग्लेक्ट किए, कौन से फोर्स नेग्लेक्ट किए, इन्होंने विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट किया। और भी फोर्सेज आएंगे अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी ये तो दिखेगा कि विस्कस फोर्स को इन्होंने नेग्लेक्ट किया, नेवियर स्टोक ने इसको इंक्लूड कर लिया। कैसी सिचुएशन बनाई होगी इन्होंने, मान लो ग्रेविटी फोर्स है 500 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, प्रेशर फोर्स है कुछ 400 मैग्नीट्यूड का, विस्कस फोर्स आ रहा था 1 मैग्नीट्यूड का, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान? तो इस तरीके से कंडीशंस बनाई, जैसे आपको पता है ना विस्कस फोर्सेस कब आते हैं, जब रिलेटिव मोशन होता है, जब रिलेटिव मोशन ही ना हो तो क्या विस्कस फोर्सेस आएंगे, नहीं आएंगे विस्कस फोर्सेस, है ना। चलो नोट करो, तो नेवियर स्टोक, स्टोक वर्ड से पकड़ लेना आप, है ना। तो स्टोक ने जो इक्वेशन अपनी यूज की थी तो उन्होंने विस्कस फोर्सेस को भी अपनी स्टडी में कंसिडर किया था। तीसरी इक्वेशन लिखना, वो है रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। रेनॉल्ड याद है कि आपको, रेनॉल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये बताया था कि कब लैमिनार कंडीशन आती है, कब टर्बुलेंट आती है, तो यहां एक और फोर्स ही कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द टर्बुलेंसी, है ना। तो यहां लिखना इन्होंने कौन कौन से फोर्सेस कंसिडर किए, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस एंड टर्बुलेंट फोर्सेस। तो इन्होंने जब अपनी स्टडी की फ्लूइड मोशन की तो इन्होंने कंसिडर किया, किस किस को कंसिडर किया, ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस एंड टर्बुलेंट फोर्सेस को। इन्होंने भी नेग्लेक्ट किया अभी, ठीक है, इन्होंने भी एक फोर्स नेग्लेक्ट किया है,
वो है कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो फोर्स आता है ना, कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो फोर्स आता है उसको इन्होंने नेग्लेक्ट किया। तो मुझे बता सकते हो यूलर्स ने अपनी इक्वेशन या अपनी स्टडी के दौरान कौन कौन से फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया था? ठीक है, इन्होंने विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया यूलर ने, इन्होंने टर्बुलेंट फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया, और इन्होंने जो फोर्सेस कंप्रेसिबिलिटी के कारण आते हैं उनको नेग्लेक्ट किया है ना। तो ये फोर्सेस इन्होंने नेग्लेक्ट किए। तो आप अब लिख सकते हो कि टर्बुलेंसी के कारण जो फोर्सेस आते हैं या फिर कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो फोर्सेस आते हैं इनको नेग्लेक्ट किया। नेग्लेक्ट करने का मतलब ये है कि हम प्रैक्टिकल सिचुएशन ही ऐसी बनाए ताकि ये वाले मैग्नीट्यूड तो लार्ज है और ये वाले मैग्नीट्यूड उनकी तुलना में बहुत छोटे हैं, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। कैसे करते हो, समझ में आ गया? चलो अब आगे चलना, एक छोटी सी इक्वेशन लिख लो इन्होंने जो है ना, ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे लिखता हूँ मैं, मेरे को कैसे याद रहती है मैं बता देता हूँ आपको। आपके पास में बर्नौली इक्वेशन याद है तो लिखवाओ जरा एक बार, पी अपॉन रोजी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी प्लस जेड, ये इक्वेशन है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, और यदि आप मल्टीप्लाई कर दो रोजी से, है ना, तो क्या बन जाएगा देखो जरा, जी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा डीपी डिवाइडेड बाय डीपी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, जी से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2v टाइम्स ऑफ dv आएगा। ठीक है, और यहां पे आएगा रो। ठीक है, जी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो 2v डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v dv बन जाएगा, है ना। यहां क्या आएगा, दिस इज dz। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई किया था, रो से। इस इक्वेशन को दोनों काम एक साथ कर दिया, आप आराम से कर सकते हो। एक बार पहले डिफरेंशिएट कर दो फिर आप डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं भी करो तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन है, देखो ये चीज बर्नौली ने बोला था कांस्टेंट है ना, ये चीज बर्नौली ने बोला कांस्टेंट है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ तो क्या आएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। बर्नौली सबको याद रहता है, यूलर्स को अगर याद रखना हो इसको डिफरेंशिएट कर देना, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। वैसे हाँ एक मिनट मैं कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया, डीपी अपॉन रोजी आया प्लस ये 2v आ गया, dv आ गया डिवाइडेड बाय 2z आया, प्लस यहाँ पे dz आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो गया, 2 से 2 गया, ठीक है, और यहाँ पे रो भी आएगा। ठीक है, चलो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, है ना, जो आया था उसी फॉर्म में छोड़ दो, एक मिनट कोई बात नहीं। एक मिनट रुक जाओ, dp डिवाइडेड बाय rho z, यहाँ पे vdv डिवाइडेड बाय z प्लस dz, ये लिख लो आप, तो छोड़ो उस सब इक्वेशन को छोड़ो, ये इक्वेशन जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ऐसे, क्या फर्क पड़ता है रो से डिवाइड करो डी करो, ठीक है, क्योंकि जीरो लिखा हुआ है ना, आप चाहे तो रो जी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लिख लो ये इक्वेशन है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको बर्नौली हमेशा याद रहती है। वैसे आया ऐसे था कि यूलर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, इन्होंने इक्वेशन बनाई ये वाली, फिर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो बर्नौली आई। बर्नौली का अगर डेरिवेशन देना हो तो पहले यूलर्स का डेरिवेशन आएगा, उसके बाद में फिर बर्नौली की इक्वेशन आएगी। बर्नौली की इक्वेशन का डेरिवेशन जो आपका आरपीएससी गेम का मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना, अजम्पशंस भी पूछे थे और डेरिवेशन भी पूछा था, तो डेरिवेशन कभी भी किसी का भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो इसका डेरिवेशन करते हैं ना, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का इसका डेरिवेशन करते हैं, मतलब कि मैं ये इक्वेशन डिराइव करवाने वाला हूँ, है ना, तो इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। कौन कौन से फोर्सेस कंसीडर किए यूलर ने अपनी कैलकुलेशन में, एक तो ग्रेविटी फोर्स और दूसरा प्रेशर फोर्स। ठीक है, इनको तो हटा देते हैं, इनका काम हो गया, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन से फोर्सेज कंसिडर वगैरह किए थे। आप लोग क्वेश्चन देखोगे डीपीपीज में, वहां से सॉल्व करना। ठीक है, चलो हटा दूंगा इनको तो अभी मैं, इसको तो हम डिराइव करने वाले, लिख लिया, ध्यान देना। जो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना, इस तरफ से फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक सिलेंडर कंसीडर किया, लेट्स से कि दिस इज द सिलेंडर। ठीक है, स्ट्रीम लाइन्स के बीच में यहाँ पर हमने कोई सिलेंडर कंसिडर किया और ये मेरा कंट्रोल्ड मास है ना, समझ रहे हो आप, जैसे कोई बच्चा जो है गार्डन में पानी डाल रहा है, पानी डालते समय उसके हाथ में पाइप है और उसने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो पाइप से जो जेट निकल रहा है वाटर का, तो उसमें छोटा सा एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, वो इंक्लाइंड पोजीशन में है और वो इस तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो जरा, यहाँ पर जो आपने ये कंट्रोल्ड लिया है वॉल्यूम, ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं कि लेट्स से कि इसका एरिया ए के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो डी एस के बराबर है, एरिया भी डी ए ले लो आप। ठीक है, एरिया डी ए के बराबर है,
यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगेगा, व्हाट इज दैट प्रेशर फोर्स, ठीक है, दैट प्रेशर फोर्स विल बी पी मल्टीप्लाइड बाय डी ए। यहाँ पर प्रेशर फोर्स कितना लगेगा कोई बताएगा क्या, कैसे लिखते हैं, पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय, नहीं एक्स नहीं लिखेंगे, एस डायरेक्शन है तो एस लिखेंगे, और एस में कितना चेंज आया यानी कि डीएस कितना हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो लिखेंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डी ए। इसके अलावा एक तो प्रेशर लिया था उसने अपनी कैलकुलेशन में, और दूसरा क्या लिया था, ग्रेविटी लिया था, इसीलिए तो बच्चे को मैंने ऐसे खड़ा करवाया, ठीक है, ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट भी आए, ठीक है। तो जब ग्रेविटी फोर्स लगेगी यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो यहाँ लगेगा क्या, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो वेट होगा उसको लिखवा सकते हो क्या आप, व्हाट इज द वेट, वेट इज इक्वल टू रो इनटू जी, ये तो यूनिट वेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डी ए मल्टीप्लाइड बाय डी एस, यहाँ तक लिखो, उसके बाद में हम इसके कंपोनेंट करेंगे बस, ठीक है, एक तो कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल से मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं, थीटा को इधर से ले लेना, कहीं से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर फोर्स इक्विलिब्रियम लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी चीज और समझ लेना कि वेलोसिटी जो होगी इस डायरेक्शन में उसको हम मान लेंगे कुछ, है ना, ये जो फ्लूड फ्लो कर रहा था इसकी वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी वी एस है, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैंने एस बोला है, ना तो एक्स में ना वाई में ना जेड में, इसको मैंने एस डायरेक्शन बोल दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर, मुझे बताओ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई लिखवा सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे लिखते हो, एक्सेलरेशन बताना कैसे लिखते हो, जब आप एस लिखोगे तो एस का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करोगे इसी डायरेक्शन की स्पीड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दो दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक तो एस वेरिएबल और एक टाइम वेरिएबल है, चार नहीं है यहाँ पे वेरिएबल, एक्स वाई जेड टी नहीं है, यहाँ बोलोगे एक तो एस वेरिएबल है और एक टी वेरिएबल है, तो कैसे लिखोगे इसको, इसको आप लिख पाओगे कैसे लिखोगे बताओ, किया था आपने एक्सेलरेशन का पूरा, इसको लिखेंगे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल वी एस बाय डेल एस मल्टीप्लाइड बाय डी एस बाय डी टी, एक तो ये हो जाएगा प्लस डेल वी एस बाय डेल टी, ये हो जाएगा, अगर स्टडी फ्लो कंडीशन मान लोगे तो, अगर स्टडी फ्लो कंडीशन है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और यहां पर व्हाट इज दिस बता सकते हो, डेल डी एस बाय डी टी इसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेस हुआ डिवाइड बाय डी टी वी एस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका वी एस, तो दिस इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाइड बाय डी वी एस बाय डी एस, है ना, या डेल वी एस बाय डेल एस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सेलरेशन मैंने क्यों लिखा, क्या लग रहा है आपको एक्सेलरेशन मैंने क्यों लिखा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन लगाएंगे डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है, यही तो लगाते आ रहे हैं अब तक, हमने क्या लगाया क्या है एफएम के अंदर भी हम यही लगा रहे हैं, जब वोर्टेक्स फ्लो लगाया था तब भी हमने वही प्रेशर को कंसिडर करते हुए फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दिया था, अब भी यही लगा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में बेसिकली जो आपका फिजिक्स जो आपने पढ़ी थी ना उसमें जो मैकेनिक्स वाला चैप्टर है उसकी एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है, उसको आप समझ जाओ, ठीक है, अब तक नहीं समझे तो आप समझ लो, ठीक है, अब इसके आगे आप लोग चलो देखिए थोड़ा सा आगे, आप लोग निकालो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करके कि कुछ इक्वेशन बना पा रहे हो कि आप, ऊपर जाते हुए डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और इक्वेशन लगा दो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी से इंटीग्रेट करके आपको बर्नौली का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब बर्नौली का डेरिवेशन आपसे पूछा जाए तो यही डेरिवेशन करना है आपको कि बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करो तो एग्जैक्टली ये डेरिवेशन आपको उसमें करना पड़ेगा, और जो जो रास्ते में हमारे पास में कंडीशंस हम यूज करते जा रहे हैं वो बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशन हो जाएंगे, जैसे पहला अजम्पशन आ चुका है स्टडी फ्लो कंडीशन, है ना, ये हमारा अजम्पशन आ चुका है, ठीक है, विस्कोसिटी जीरो है ये अजम्पशन आ गया क्या, क्योंकि विस्कस फोर्स लिया ही नहीं हमने तो विस्कस विस्कोसिटी जीरो, ठीक है, ये भी अजम्पशन है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंप्रेसिबल फोर्स भी नहीं ली है ना, तो ये अजम्पशन आ गए, तो जितनी भी अजम्पशन होती है किसी टॉपिक में वो फॉर्मूले के डेरिवेशन के समय दिखते हैं सब लगते हुए, है ना, तो हमारे पास में ये कंडीशन चल रही है, बताओ जरा फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स, ठीक है, इक्वेशन है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हुए नेट फोर्स लिखवा दोगे क्या बताओ जरा, पहला फोर्स आएगा पी इनटू डीए, पहला फोर्स आ गया पी इनटू डीए, इसी में लग रहा है पॉजिटिव,
दूसरा फोर्स माइनस पी प्लस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी ए, ये दूसरा फोर्स आ गया। तीसरा फोर्स वेट का ये वाला कंपोनेंट, इधर वाला डाउन वाला, तो वेट का ये कंपोनेंट क्या है, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि माइनस, ठीक है, तो माइनस रोजी मल्टीप्लाइड बाय डी ए मल्टीप्लाइड बाय डी एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये तो नेट फोर्स हो गया, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना, व्हाट इज द मास, मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है डी ए इनटू डी एस, ये तो हो गया मास अब तक, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तैयार है ये रहा, एक्सेलरेशन हमने निकाल के पहले ही तैयार कर रहा है, ठीक है, इसको यूज कर लो, तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एस मल्टीप्लाइड बाय डेल वी एस बाय डेल एस, सबका आ गया यहां तक, जो जो आपको कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहे हो उनको कैंसिल कर दो, जैसे ये पहली वाली टर्म दिस विल कैंसिल आउट, ठीक है, और डी ए वन डी ए और डी एस वाली टर्म है ना, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया गलती से, ये एस चल रहा है ना, क्योंकि वो लिखने की आदत है अपनी, डेल पी बाय डेल एक्स वाली, ठीक है, डेल पी बाय डेल एस था, ठीक है, डेल पी बाय डेल एस मल्टीप्लाइड बाय डी एस, ठीक है, इसको करेक्ट करो। अब मुझे बताओ डी एस मल्टीप्लाइड बाय डी ए ये वाली टर्म भी कॉमन आएगी क्या, बार बार हर तरफ से डी एस डी ए वाली टर्म कॉमन आएगी क्या, डी ए डी एस वाली टर्म कॉमन आएगी, खत्म, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इक्वेशन को लिख देते हैं, ये माइनस माइनस को भी उधर लेता है, सब प्लस बन जाएगी, तीन इक्वेशन, सबसे पहली टर्म डेल पी बाय डेल एस, पहली टर्म डेल पी बाय डेल एस, ये आया क्या, उधर ले जा चुके हैं, प्लस रो जी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस प्लस रो मल्टीप्लाइड बाय वी एस मल्टीप्लाइड बाय डेल वी एस बाय डेल एस, दिस इज इक्वल टू, बर्नौली इक्वेशन में जो तीन टर्म आती है वैसी दिख रही है क्या आपको, प्रेशर वाली जेड वाली और ये वी स्क्वायर अपन टू जी वाली दिख रही है क्या, तो आपको पता लग जाएगा काम किस हिसाब से करना है, ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चलते हैं वापस इसके लिए, है ना, ध्यान देना, हमने जो ट्रायंगल बनाया था वो ये वाला ट्रायंगल था, सबको दिख रहा है, पहले तो ये बताओ ये वाला ट्रायंगल था जिसमें ये थीटा है, देखो ये वाली लाइन फ्लो के पैरेलल वाली, उसके अलावा परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ग्रेविटी वाली डायरेक्शन में यानी कि जेड में, ध्यान देना ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डी ए से क्या, ये डी ए से, ये कितना बोलेंगे इसको डी जेड, तो कॉस थीटा कितना हो रहा है देख सकते हो क्या आप यहाँ से, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि डी जेड डिवाइड बाय डी एस, लिख दिए क्या, तो कॉस थीटा की जगह, और इनको भी आप पार्शियल से किस में जाते हो, फुल में जा सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे डी पी बाय डी एस प्लस रोजी मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख दे, डी जेड बाय डी जेड बाय डी एस प्लस रो वी, ठीक है, और इसको लिख दो आप डी वी डिवाइडेड बाय डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये डी एस से मल्टीप्लाई कर देगा पूरी इक्वेशन को, तो डी एस चला जाएगा क्या, तो इक्वेशन आपकी वो आ जाएगी जिसका आपको इंतजार है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन बताना जरा, इक्वेशन आ गई आपकी यहां से, यदि इस इक्वेशन को यदि आप देखो तो डी पी प्लस रो जी डी जेड, ठीक है, प्लस रो वी डी वी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब वी एस लिख दो या वी लिख दो, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था कि इस डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को मैं वी एस बोल रहा हूँ, वी एस और वी, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वो वी है, सीधी सी बात ये, ठीक है, तो आप वी एस ना लगा करके सीधा सीधा वी भी बोल दो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे बात समझ में, इक्वेशन आ गई क्या जो आपको चाहिए थी, तो इस इक्वेशन को रोजी से डिवाइड करके वो इक्वेशन बना सकते हो आप, डी पी अपॉन रोजी प्लस डी जेड प्लस वी डी वी डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या करें इस पूरी इक्वेशन का, इंटीग्रेशन कर दें, अगर आप इंटीग्रेट करोगे इस इक्वेशन को तो इक्वेशन आ जाएगी पी अपॉन रोजी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या कहलाती है, बर्नौली इक्वेशन, है ना, तो बर्नौली इक्वेशन डिराइव करने के लिए अगर आपको बोले तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, और ये जो इक्वेशन जस्ट इंटीग्रेशन से पहले आई थी इसको कहते हैं यूलर्स इक्वेशन, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाली इक्वेशन यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये वाली इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। कभी आपको यूलर्स इक्वेशन रिकॉल करनी हो तो बर्नौली को डिफरेंशिएट कर देना बस, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यूलर ने और बर्नौली ने दोनों ने अगर बात की जाए तो दोनों ने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर किया है और प्रेशर फोर्स कंसिडर किया है, बात समझ में आ गया, चलो तो इक्वेशन हमने डिराइव किए, अब इस बर्नौली इक्वेशन के अजम्पशंस लिखेंगे। अब पहले तो सबसे पहले इसके अजम्पशंस लिखो, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिराइव करना कई बार, और अगर मैं आपको वो कंसेप्ट नहीं समझाता
एक एक छोटी छोटी कंसेप्ट नहीं समझाते हैं, क्या आप बर्नौली इक्वेशन को डिराइव कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, है ना? और ये इक्वेशन का डेरिवेशन एग्जाम्स में आया हुआ है, मेंस एग्जाम में भी आया हुआ है, और जो अजम्पशन है जो आपको डेरिवेशन में दिख रहे हैं वो अजम्पशन तो हर एग्जाम में आते हैं, जेईई में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो क्वेश्चन वही है और उनके आंसर्स या तो रट लो या समझ लो, सीधी सी बात ये है, ठीक है? तो समझने में देखो आपने कितनी सारी चीजें यूज की है, इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, इसमें वो एक्सेलरेशन का पूरा कांसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? इसके अलावा जब ये प्रेशर लिखा, तो जब पहली बार वो टर्म लिखी थी हमने, तो वो एक एग्जाम्पल जो रियल लाइफ एग्जाम्पल था भिखारी वाला, वो यूज करके मैंने आपको बताया था, है ना? तो कई सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है आपको, इस डेरिवेशन में साफ साफ नजर आ रहा है कि हमने एक तो प्रेशर कंसिडर किया और एक वेट कंसिडर किया है ना, इस वजह से अब अजम्पशंस क्या आएंगे वो देख लेंगे, और यहाँ पर आपने स्टडी फ्लो कंडीशन लगाई दी थी, तभी जाकर के आपका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना था, जीरो था। फ्लूड की कोई भी प्रॉपर्टी अगर टाइम के साथ में उसका डेरिवेटिव जीरो है, तो इसका मतलब स्टडी फ्लो कंडीशन वहां पर है, ठीक है? बात समझ में आई? तो इतने सारे कंसेप्ट थे जो हमने यूज करके इस इक्वेशन का हमने डेरिवेशन किया। इस इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, वो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है ना, नोट करना। The following are the assumptions. The following are the assumptions made in the derivation of Bernoulli's equation. The following are the assumptions made in the Bernoulli's equation. This is the Bernoulli equation. ठीक है? तो Bernoulli's equation की assumption क्या है? ठीक है? This is the Bernoulli's equation. और Bernoulli's equation की assumption क्या है? पहला assumption लिखो। आप लोग लिखवा सकते हो, तो सारे अजम्पशन दिख ही रहा है आपको, बताओ। पहला है द फ्लूड इज आइडियल। आइडियल बता दे कि आइडियल में दोनों चीजें आ जाती है। अगर आप आइडियल फ्लूड कंडीशन बोलते हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल, इसका नहीं स्टडी नहीं, आप यहां पर बोलोगे आइडियल फ्लूड कंडीशन है, इसका मतलब एक तो विस्कोसिटी जीरो है, ठीक है, और नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है? जिस भी फ्लूड में विस्कोसिटी जीरो हो, इनकम्प्रेसिबल नॉन कंप्रेसिबल हो, तो वो आइडियल फ्लूड कंडीशन कहलाती है ना। लिखो जरा, द फ्लूड इज आइडियल, दैट मींस द विस्कोसिटी इज जीरो एंड द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, एंड द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, द फ्लूड इज आइडियल, ठीक है? द फ्लूड फ्लो इज आइडियल, दैट मींस द विस्कोसिटी इज जीरो एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल, लिखा। इसके अलावा डेरिवेशन के दौरान हमने स्टडी फ्लो कंडीशन यूज की है, तो नोट कर लो, द फ्लो इज स्टडी, द फ्लो इज स्टडी, और आपने यहां पर कहीं पर भी कोई रोटेशंस वगैरह कंसीडर नहीं किए हैं, है ना? तो यहां पर लिख दो जरा, द फ्लो इज इरोटेशनल। आपने सिर्फ एक ही तो वेलोसिटी कंसीडर की है, वीएस, उसके अलावा कोई आपने रोटेशनल वेलोसिटी वगैरह कंसीडर नहीं की है ना? अगर रोटेशन हो रहा होता मान लो, तो फिर क्या आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह भी आते हैं रोटेशन वेलोसिटी के कारण, वो आपने कंसीडर किए नहीं, है ना? तो नोट कर लो, द फ्लो इज इरोटेशनल। बर्नौली इक्वेशन के डेरिवेशन समझ में आ गया क्या? बर्नौली इक्वेशन, अब बर्नौली इक्वेशन रखो सिर्फ बोर्ड पे, ठीक है? इसके अलावा हर चीज को हटा देता हूं मैं, ठीक है? देखो इसका डेरिवेशन कर लेना अच्छे से बार बार, और इसको अप्लाई तो हम कई सारे टॉपिक्स के अंदर करने वाले हैं ना। ये इक्वेशन आपकी बिल्कुल लास्ट तक चलेगी, अब जब तक एफएम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक इक्वेशन चलती रहेगी। तो जो फाइनल इक्वेशन बनी है आपकी, वो इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं, p अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z प्लस z, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देखो ध्यान देना। अगर इस इक्वेशन को देखें, ये वाली जो टर्म देखें, ये वाली टर्म, ये बेसिकली mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर आप एम जी करें तो यहां से एम से एम विल कैंसिल आउट, और ये टर्म बन जाएगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z। नजर आ रहा है क्या? तो आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, है ना? तो नोट कर लो आप, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट अगर आप निकालोगे टर्म, तो वो बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन 2z है। देख लो इसी के बगल में, ये सेंटर ऑफ द पेज को यूज करो, ठीक है? मैं सेंटर में रखते हुए कई सारी चीजें यही आपको बताऊंगा, ठीक है? इसी तरीके से आप इसको लिख लो, ताकि सारी चीजें एक ही जगह पर हमारी फोकस हो जाए। तो v स्क्वायर अपॉन 2z जो ये वाली टर्म है, ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट है। सबको नजर आ गई क्या? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अगर हम z को भी देखें इसी तरीके से, तो z क्या है?
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट अगर आप निकाले तो पोटेंशियल एनर्जी MgH होता है कि Mg Z यूज कर लो, H की जगह हमने Z लेटर यूज किया है, डिवाइडेड बाय Mg कर दोगे तो आपको क्या मिला, यहाँ पर Z मिला। तो Z क्या रिप्रेजेंट करता है, Z रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट को। अगर इनकी यूनिट्स वगैरह देखो तो यूनिट्स दिख रही है क्या आपको, व्हाट इज द यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स, अगर इनकी यूनिट देखो तो ये है आपका मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर डिवीजन में आपका यहाँ पर लगेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट मीटर आ रही है क्या। वैसे भी ध्यान देना एक छोटा सा कंसेप्ट जो मैं कई बार देता हूँ, चीजें जब जुड़ती है तो सेम यूनिट्स की जुड़ती है, सेम यूनिट की सब्ट्रैक्ट होती है, तो जेड की यूनिट पहले पता चल रहा है, जेड इज रिलेटेड टू द हाइट तो इसकी यूनिट पहले पता चल रही है, तो हर एक यूनिट मीटर में है, आप चाहे चेक करो या मत करो, चीजें तभी जुड़ती है या तभी घटती है जब वो सेम यूनिट्स में होती है, ठीक है। तो सिर्फ जेड की यूनिट पर भी अगर आप फोकस कर लो तो ये मीटर में आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली, इसमें यूनिट वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हर जगह पर जो यूनिट चल रही है ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी मीटर में आ गया ना, तो ये बेसिकली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो दिस इज द प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वेट। तो ऑल दीज टर्म्स आर व्हाट, ऑल दीज टर्म्स आर द एनर्जी पर यूनिट वेट, नोट कर लो, ऑल दीज टर्म्स आर एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। तो क्या समझे आप कि बर्नौली की इक्वेशन क्या एनर्जी कंजर्वेशन है क्या, कॉन्स्टेंट है ना एनर्जी, जो तीन पार्ट में अलग अलग फॉर्म में जो एनर्जी है फ्लूइड के पास वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए जब आगे फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली द बर्नौली इक्वेशन इज द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, ठीक है, नोट कर लो। तो हमने इस इक्वेशन में ये देखा कि जो एनर्जी है अलग अलग फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वेट में जब आप निकाल रहे हो दिस इज बेसिकली कॉन्स्टेंट, सो बर्नौली इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मास उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द बर्नौली इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई क्या, अपना इन टर्म्स को भी लिख लेते हैं, एक एक करके लिखना शुरू कर दो, ठीक है। पहली जो टर्म है आपके पास में P अपॉन रो जी, इसके क्या क्या नाम है, P अपॉन रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, ठीक है, ये सब हेड की टर्म्स में, हेड का मतलब है डेप्थ वगैरह है ना, उसकी टर्म्स में है। तो ये भी आपका ये पोटेंशियल एनर्जी हेड है, ये काइनेटिक एनर्जी हेड है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, ठीक है। हेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हेड का मतलब वही मीटर वगैरह में आप कैलकुलेट करते हो, तो आपने ये जो टर्म निकाली है ये आपको मीटर में ही देगा, तो इसको प्रेशर हेड कहते हैं, दिस इज द प्रेशर हेड। इसी का दूसरा नाम, इसी को स्टैटिक हेड भी कहते हैं, ठीक है, इसी को स्टैटिक हेड भी कहते हैं। तो प्रेशर हेड और स्टैटिक हेड ये दोनों नाम याद रखो। ये वाला जो आपके पास में है वी स्क्वायर अपॉन टू जी, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड, ठीक है, या काइनेटिक हेड बोल दो सीधा, है ना, दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक हेड, ठीक है। इसी को वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, ठीक है, इसी को डायनेमिक हेड भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डायनेमिक हेड। इसके अलग अलग नाम हो गए, काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, डायनेमिक हेड, इसको वी स्क्वायर अपॉन टू जी को। जेड वाली जो टर्म है इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड, ठीक है, इसको कहते हैं एलिवेशन हेड, ठीक है, एलिवेशन हाइट से रिलेटेड है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू हाइट, तो इसको एलिवेशन हेड कहते हैं, इसको डेटम हेड भी कहते हैं, है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटम हेड, एलिवेशन हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड, ये कहलाता है। ध्यान देना, सोइल के अंदर भी जब हम एनर्जी यूज करते हैं, देखो जब हम फ्लूड में एनर्जी यूज करते हैं, टर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो फ्लूड में हम ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें पाइप वाइप में फ्लो हो रहा है। जब हम सोइल में देखते हैं, एफएम में, तो हम पाइप फ्लो देखते हैं या कहीं पर भी किसी नाले वाले में फ्लो हो रहा है उसको फ्लो को कंसिडर करते हैं। सोइल में जब हम फ्लो देखते हैं तो कौन सा फ्लो होता है, सीपेज। सीपेज में वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम वेलोसिटी से सीपेज होगा कभी भी होगा, तो फ्लो तो बहुत अच्छी वेलोसिटी से होता है। तो जनरली जब हम यहाँ पर जब सोइल में जब इक्वेशन लगाते हैं एनर्जी इक्वेशन, तो आपके पास में ये वाला हेड होता नहीं है, नेग्लिजिबल होता है इन दोनों की तुलना में, ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने के बाद में जो आपका हेड बनता है, जो सीपेज थ्योरी में आप यूज करते हो, वो हेड बनता है पी अपॉन रोजी प्लस जेड, इसको कहते हैं पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, ये कहलाता है पीजोमेट्रिक हेड। बात समझ में आ रही है क्या, सोइल में जब मैं टोटल एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा तो बस ये दोनों ही होगी, वी स्क्वायर अपॉन टू जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। एफएम में तो तीनों है, क्योंकि अच्छी खासी वेलोसिटी पाइप के अंदर फ्लूइड की होती है या नदी के अंदर नाले के अंदर वेलोसिटी बहुत अच्छी खासी होती है, तो आपको मिलेगा अप्रिशिएबल अमाउंट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो पीजोमेट्रिक हेड है वो किसको नेग्लेक्ट करने से आया, किसको छोड़ दो, तो पीजोमेट्रिक हेड बनता है ये वाला,
और अगर जेड को छोड़ दो तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं स्टैग्नेशन हेड। लिख लो जरा, एक टॉपिक आएगा जिसमें और बताऊंगा मैं आपको दोबारा से, लेकिन जब ये टर्म्स आई है तो इनको एक साथ पहले लिख तो लो, पी अपॉन रोजी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी, ये वाला जो हेड है इसको कहते हैं स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, टॉपिक आएगा अभी थोड़ी देर बाद में आपका पिटोट ट्यूब। ठीक है, तो पिटोट ट्यूब के अंदर स्टैग्नेशन हेड, डायनेमिक हेड, वेलोसिटी हेड, ये सारी टर्म्स वापस डिस्कस होगी, बार बार डिस्कस होगी। ठीक है, तो आपको डिस्कस होते होते याद भी हो जाएगी सारी, सारे नाम मैंने एक जगह पर रख दिए ताकि जो जो भी डिफरेंट डिफरेंट नाम थे वो आपको सारे रिकॉल हो जाए सिर्फ इसको देख करके। ठीक है, आगे चले। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन हमने पूरा देख लिया, नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। हेडिंग आलो, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। हटा दू क्या, सबने देख लिया क्या? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, FM की जान है। ठीक है, इसी के बारे में सब कुछ सीखेंगे हम, ये टर्म्स अब बहुत बार आएगी। इसके अलावा मैंने सोइल में भी इसकी एप्लीकेशन बता दी, सोइल में हम वी स्क्वायर अपॉन टू जी नहीं लेते हैं क्योंकि सीपेज हो रहा होता है, बहुत ही छोटी छोटी स्पीड से सीपेज होगा, बिल्कुल धीरे धीरे से, है ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं। पीजोमेट्रिक हेड, वहां पर फिर टर्म हम डिस्कस करते हैं जो कि प्रेशर हेड और डेटम हेड को जोड़ने से आती है। ठीक है, हटा दूं इन सब चीजों को, चलो तो हेडिंग डाल लो, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन को प्रैक्टिकली कहां कहां अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो नोट करना। प्रैक्टिकली हम लोग सबसे पहले इसको लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अप्लाई करते हैं, तो लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं दो चीजों को निकालने के लिए, एक तो है डिस्चार्ज और एक है स्ट्रीम वेलोसिटी, है ना। डिस्चार्ज या स्ट्रीम वेलोसिटी निकालने के लिए जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो वहां पर बर्नौली इक्वेशन लगाई जाती है। ठीक है, तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए हुए हैं, एक तो है वेंचुरी मीटर और दूसरा है ऑरिफिस मीटर, है ना। तो ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर, इसके अलावा पिटोट ट्यूब, इन तीनों में बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन को हम देखेंगे, है ना। तो नोट करो, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो इससे रिलेटेड जो आपकी डिवाइसेस आ रही है वो है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, इसके अलावा है ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर, तीसरा है पिटोट ट्यूब। ठीक है, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पिटोट ट्यूब। वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर, ये जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, दीज टू डिवाइसेस, ठीक है, दीज टू डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट, है ना। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए इनका आप यूज करते हैं, और पिटोट ट्यूब क्या मेजर करता है, दिस मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। लिखो जरा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। गुप्ता एंड गुप्ता में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर गलत है, वहां लिखा हुआ है द वेलोसिटी एट द स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है ना, तो वो वेलोसिटी मेजर नहीं करता है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन आते हैं इसको लेकर के, वो मैं सब क्लियर करूंगा, ध्यान से आप देखते जाना। ठीक है, तो सबसे पहली डिवाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं, और जो पहला डेरिवेशन होगा ना मेरा, उसको बहुत अच्छे से समझना, ऐसे आपके पास में कोई 15-20 डेरिवेशन आएंगे सिमिलर कंसेप्ट पर। तो बर्नौली अप्लाई कैसे करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कैसे करते हैं, तो वेंचुरी मीटर में आपको बहुत डिटेल में देखने को मिलेगा, सिमिलर चीजें हम बार बार अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, सिमिलर तरीके से बार बार चीजें अप्लाई होगी। तो सबसे पहली डिवाइस, सबसे पहले क्वेश्चन ये, हाँ आ जाएगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे पिटोट स्टैटिक ट्यूब क्या होता है, पिटोट ट्यूब क्या होता है, पिटोट ट्यूब विद द पिजोमेट्रिक ट्यूब क्या होता है। ठीक है, चार केसेस आते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे ना, पहले अभी यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं अच्छे से, वो है वेंचुरी मीटर क्या है, कैसा डिवाइस है ना। चलो, वेंचुरी मीटर क्या है, वेंचुरी मीटर अभी आपने बोला था दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, हम इससे डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ठीक है, और यहां पर एक सेटअप लगा लेता हूं मैं, मान लो कि आपके पास में कोई पाइप है और इस पाइप में डिस्चार्ज हो रहा है, कोई भी लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो आप चाहते हो कि इस पाइप में मुझे पता लग जाए कि कितना फ्लो हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो डिवाइस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखो जरा, यहाँ पे इस पाइप को काटेंगे। ठीक है, हमेशा के लिए एक बार डिवाइस इंस्टॉल कर दो, जब भी आपको डिस्चार्ज की जरूरत हो डिवाइस बता देगी आपको कि डिस्चार्ज कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो सेक्शन बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि एक तो आपके पास में आता है कन्वर्जिंग सेक्शन, उसके बाद में आता है कॉन्स्टेंट सेक्शन, और उसके बाद में आता है डाइवर्जिंग सेक्शन, है ना। तो उसके बाद में आपके पास में डाइवर्जिंग सेक्शन आया। ठीक है,
ठीक है। तो देखो ये जो आपने अरेंजमेंट यहाँ पर किया है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द वेंचुरी मीटर, है ना। फिगर बनाओ जरा, वेंचुरी मीटर में जो आपका फिगर बनेगा वो ये है। वेंचुरी मीटर में हम लोग यहाँ पर पाइप के अंदर हमने ये डिवाइस इंस्टॉल की है, ठीक है। यहाँ पर डाया कितना होगा पाइप के बराबर, लेट से कि इस डायमीटर को मैं डी वन कह देता हूँ, ठीक है। लेट से कि दिस डायमीटर इज डी वन, ये वाला जो कांस्टेंट डायमीटर है बीच में, है ना, कांस्टेंट डाया वाला सेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रोट, ठीक है। तो थ्रोट पर डायमीटर कितनी है, द डाया एट द थ्रोट इज इक्वल टू डी टू। जो सेटअप बनाया उसको ध्यान से समझो आप, ठीक है। सेटअप कैसा बन रहा है, ठीक है, सेटअप समझ में आ रहा है क्या? एक पेपर देना जरा, पेपर दे दूं, बाकी लोग डायग्राम बनाओ जब तक। किसी भी पाइप में डिस्चार्ज अगर मेजर करना है, ठीक है, तो पाइप के अंदर आपने ये सेक्शन बनाया, सेक्शन जब बनेगा तो इसमें आगे की तरफ यदि जाएगा, ठीक है, तो आप देखो जरा ध्यान से, ये वाला कुछ ऐसा कॉनिकल शेप में बनेगा। पाइप की डायमीटर जो चल रही है डी, उसमें ये कॉनिकल शेप में आएगा। पहले ये कैसा सेक्शन है, ये कन्वर्जेंट सेक्शन कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जितनी डायमीटर डेवलप हो चुकी है उतनी डायमीटर का पाइप यहाँ पर जुड़ा होगा थोड़ी सी लेंथ के लिए, इसको क्या कहते हैं, इसको थ्रोट कहते हैं। थ्रोट के बाद में फिर से सेक्शन कैसा बनेगा, थ्रोट के बाद में ये बनेगा। इसका मतलब डायमीटर फिर बढ़ते हुए आपकी जाएगी और वापस पाइप की डायमीटर के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हुए आपको समझना चाहिए कि जो कन्वर्जेंट सेक्शन की लेंथ है वो छोटी है, डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ बड़ी है, ठीक है। इसमें भी अगर कोई फैक्ट आता है तो रिपीट में मैंने दिया होगा, 5 to 7 times वगैरह जो भी है, ठीक है, आप वहां से याद करना। मोटी मोटी बातें यहां से सीखो कि सेक्शन प्रैक्टिकली होता कैसे। पाइप के अंदर हमको डिस्चार्ज निकालना है, पाइप की लेंथ को थोड़ा सा कट करके उस डिवाइस को इंस्टॉल कर देंगे। जब भी आपको पता लगाना होगा कि पाइप के अंदर डिस्चार्ज कितना है, उस डिवाइस से हम रीड कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने वेंचुरी मीटर बोला है, ठीक है। तो लिख लेना जरा, दिस इज द कन्वर्जेंट सेक्शन, जैसा बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही बनाओ। कन्वर्जेंट सेक्शन की लेंथ छोटी है, डाइवर्जेंट सेक्शन की लेंथ बड़ी है, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन ऑब्वियसली ये हो गई क्या, ऐसे फ्लो बनाते हैं तो फिर ये कन्वर्जेंट कहलाता, ये थ्रोट कहलाता, अगर इधर फ्लो बनाओगे तो, ठीक है। तो फ्लो आपका इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो सही तरीके से इंस्टॉल करना भी जरूरी है कि फ्लो की डायरेक्शन क्या है, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया को मैं ए वन लिखूंगा। ए वन इज व्हाट, द पाइप एरिया, ए वन इज द पाइप एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय डी वन स्क्वायर। एंड ए टू इज द थ्रोट एरिया, है ना। तो थ्रोट का अगर आप एरिया लिखोगे ए टू, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय डी टू स्क्वायर, ठीक है। समझ डेवलप होगी सारी, कि हमारा जो वेंचुरी मीटर होगा वो डिस्चार्ज मेजर करेगा। किसी भी पाइप लाइन के अंदर अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है तो वेंचुरी मीटर को इंस्टॉल कर दो। ये पाइप मैंने अभी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बनाया, हॉरिजॉन्टल बनाया, इंक्लाइन में क्या होगा, वर्टिकल में क्या होगा, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा, है ना। तो ये आपके पास में दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप, ठीक है, ये फ्लो के डायरेक्शन में सेंट्रल लाइन। सब लोगों ने इतना लिख लिया क्या, इतना लिख लिया हो तो अब हम यहां से ये फालतू की चीजें तो हटाएंगे, अब डेरिवेशन पे चलेंगे, है ना। तो डेरिवेशन इसका करना शुरू करते हैं। नोट करो जरा, तो सारी चीजें यहां पर काम की। थ्रोट किसको कहते हैं, वेंचुरी मीटर की जो साइज होती है ना, साइज वो लिख दो, द साइज ऑफ द वेंचुरी मीटर, ठीक है, वो होती है आपकी बेसिकली डायमीटर ऑफ द थ्रोट और डायमीटर ऑफ द पाइप, साथ में दी जाती है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको दे देगा, जैसे 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा हूँ, फिक्स नहीं है, है ना। फॉर एग्जांपल अगर साइज दिया 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर तो थ्रोट की डाया है और जो बड़ा वाला डाया है वो पाइप का डाया है। बात समझ में आ गया, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। चलो तो वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को हटा रहे, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हमारी। हमेशा बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं कैसे, कैसे लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन, लगाते हैं समय दो सेक्शंस लेने पड़ेंगे हमेशा, है ना, ध्यान देना। बर्नौली इक्वेशन जब जब भी लगाओगे तो दो सेक्शंस लेने पड़ेंगे, और बर्नौली इक्वेशन को हमेशा ऐसे लिख करके तो पहले बैठ दो, P1 upon rho z plus V1 square divided by 2z plus Z1, this is equal to P2 upon rho z plus V2 square divided by 2z plus Z2, ठीक है। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ जरा, ये मैंने सेक्शन लिया कहीं पर, जैसे हमेशा जब जब भी सेक्शन लिया जाएगा ना, सिचुएशन से पहले, सिचुएशन मतलब जो भी चेंजेस आए उससे पहले और चेंजेस के बाद, है ना, इस तरीके से आप यहां पर सेक्शंस दोगे, है ना। तो यहां पर मुझे बताओ जरा, कभी भी जब आप ये इक्वेशन लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, कि फ्लो की डायरेक्शन में आपने एक पॉइंट उधर लिया है, दूसरा पॉइंट आपने उधर लिया है, क्या फ्लो की डायरेक्शन में एनर्जी के लॉसेज हमेशा आते हैं क्या?
तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल इक्वेशन है, अगर आप एक्चुअल इक्वेशन लोगे तो वहां पे लॉसेज ऐड करने पड़ेंगे। फ्लो की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो फ्लो की डायरेक्शन में आगे वाले पॉइंट पर तो एनर्जी ज्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इस तरफ तो एनर्जी कम होती जाएगी। तो जैसे मान लो ये 100 है, ये 99.9 है, तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये है थ्योरेटिकल इक्वेशन, लिख लेना जरा, ये हमारी थ्योरेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी थ्योरेटिकल इक्वेशन। अगर आप एक्चुअल इक्वेशन लगाते हो तो कैसे लगेगी? एक्चुअल इक्वेशन में आपको इसी टर्म में पी वन अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस जेड वन पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी प्लस जेड टू क्या काम और करना पड़ेगा? प्लस हेड लॉसेस, है ना, एच एल, जो भी हेड लॉसेस हुए हैं उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। हर एक टर्म हेड के रिस्पेक्ट में थी, यस और नो? इसमें बर्नौली की इक्वेशन के अंदर हर एक टर्म हेड के रिस्पेक्ट में थी, इस वजह से आप यहां पर, ठीक है, हेड की टर्म्स में इसको यूज करें। देखो, एक तो हम पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस पॉइंट हियर, ठीक है, हमने ले लिया इस जगह पर, ठीक है, यहां पर कहीं पर हमने लिया, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, दिस इज माई सेक्शन वन, और दूसरा सेक्शन हम यहां पर ले लेते हैं, लेट्स से कि सेकंड सेक्शन आपका यहां पर, ठीक है, यहां पर जो हेड अवेलेबल होगा, सोचो जरा पे, यहां पर अगर इसका हेड मैं यहां पर नापना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपको हेड मिल जाएगा इसका। जब आप इसको ओपन करके यहां पर इसको पाइप इंसर्ट करोगे तो लिक्विड जाएगा कहीं ना कहीं पर, किसी ना किसी हाइट पर। ऐसे ही अगर आप यहां पर भी यदि हेड यदि नापोगे तो यहां पर भी लिक्विड जाएगा किसी ना किसी हाइट पर, लेट्स से कि वो हाइट ये है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मान लेते हैं h के बराबर है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है लिक्विड का लेवल जो राइज करेगा इसके अंदर, यहां पर आगे की तरफ था, यहां पर लिक्विड मान लो इधर राइज किया, इधर लिक्विड मान लो इस जगह पर राइज किया, दोनों का जो डिफरेंस है वो h के बराबर है, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो h के बराबर है। पाइप कैसा लिया है मैंने? हॉरिजॉन्टल, लिख लेना जरा, डेरिवेशन करते समय पाइप को मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं। इक्वेशन लगाई क्या? थ्योरेटिकल टर्म्स में इस इक्वेशन को लगाते हैं, सारे लोग इक्वेशन को कैसे लगा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, एक्चुअल तो उठा देते हैं, अभी थ्योरेटिकल टर्म्स में हम सारी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन पर, पहले सेक्शन पर एनर्जी यानी कि इस पॉइंट पर एनर्जी, और दूसरा सेक्शन यानी कि इस पॉइंट पर एनर्जी, इनको बराबर कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट बेसिकली मैंने यहां लिया है, सेकंड पॉइंट मैंने यहां लिया है, सेंटर पर पहला पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, ठीक है। अब बताओ जरा, इस इक्वेशन को लगाते समय मुझे प्रेशर नहीं पता, मैंने ऐसे रख दिया पी वन अपॉन रो जी। इस सेक्शन पर जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में वो वी वन है, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो वी टू है, तो मैं इसको लिख दूंगा प्लस वी वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। मुझे बताओ जेड वन और जेड टू बराबर है क्या? जेड वन और जेड टू का मतलब है कहीं ना कहीं पर डेटम है, और डेटम से इसकी ऊंचाई देखेंगे, जेड वन का मतलब है डेटम से ऊंचाई, डेप्थ कितना है ना, तो जेड वन और जेड टू इसकी जो डेटम से ऊंचाई है, क्योंकि ये आपका कौन सा हेड होता था? पोटेंशियल हेड, तो पोटेंशियल हेड में रेफरेंस लेवल से ऊंचाई देखते हैं, है ना। तो यहां पर जो जेड है ये आपका रेफरेंस लेवल से आपका दोनों का सेम है, तो जेड वन और जेड टू बराबर हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर दोगे आप, ठीक है, और इक्वेशन आपकी बच जाएगी ये वाली पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। मुझे एक चीज और बता दो, वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? रास्ता एक ही है, डिस्टेंस सेम होगा, एरिया कम होने के कारण वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सेकेंड सेक्शन पर हमारे पास में ज्यादा वेलोसिटी है, वी टू इज मोर देन वी वन, हमारे पास में ये पहले से चल रहा है, तो किसमें से किसको हटा दें? वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को आगे लेकर के चले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई रोजी, दिस इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। नजर आ गया, पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई रोजी इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। सही लिखा है, ध्यान दो, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रोजी बेसिकली इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस को बताता है। सुनना मेरी बातों को ध्यान से, जब ये पानी यहाँ पर फ्लो कर रहा था आपने थोड़ी सी ओपनिंग इधर छोड़ी, थोड़ी सी ओपनिंग इधर छोड़ी, तो जो भी लिक्विड था वो इधर राइज करेगा, राइज करके इस जगह पर रुक जाएगा क्या? वो इस जगह पर जाकर के रुक जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा, तो यहाँ जाकर के रुक गया इस पाइप वाले पाइप के अंदर, यहाँ जाकर के रुका। तो देखो जरा, अगर मैं इस जगह का प्रेशर यदि रीड करवाऊँ आपसे पी वन, तो रीड करवा सकते हो? कैसे रीड करते हो? हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन कैसे रीड होगा? तो यहां पर जो भी इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट है ना, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए y बोल दूं, कि लेट्स से कि दिस हाइट इज इक्वल टू y, ये वाली हाइट y है, तो आप क्या लिख सकते हो इस जगह पे? P1 कितना होगा? जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से नीचे आए, सेम फ्लूड है, तो आप लिख दोगे रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस वाई। इसी तरीके से पी टू कितना लिख दोगे? दैट इज इक्वल टू रोजी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, रोजी मल्टीप्लाइड बाय वाई, है ना, दिस इज रोजी मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो पी वन माइनस पी टू कितना हो गया देखो जरा, तो दैट इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एच की वैल्यू क्या हो गई? पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय
रोजी नजर आएगा, पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई रोजी कैसे हुआ, ठीक है लिख लो जरा। तो इसको पी वन माइनस पी टू डिवाइड बाई रोजी को हम क्या लिख देंगे, एच। तो आपके पास में इक्वेशन बन गई वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी इज इक्वल टू एच। यहां तक समझ में आ गया क्या? बर्नौली इक्वेशन किसी भी पॉइंट पर आप लगा सकते हो, कहीं पर भी, सेक्शन से पहले ले लेना जस्ट पहले, और दूसरा सेक्शन हमने थ्रोट पर ले लिया, ठीक है। जैसे ही आपके पास में कोई ऑब्जेक्शन आते हैं या कोई चीज आप डिवाइस वगैरह इंस्टॉल करते हो, एक पहले आता है और एक डिवाइस के साथ में आता है या फिर उसके बाद में आता है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर से हमारा पर्पज है डिस्चार्ज निकालना। हमारी इक्वेशन एक तो बन गई कि वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी इज इक्वल टू एच, ठीक है। लिख लिया क्या, हटा दू क्या मैं इनको, लास्ट वाली इक्वेशन रखा हूं, बाकी हटा रहा हूं। देखो सारे लोग ध्यान देना, छोटी छोटी बातें कि एच कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं ना, तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। इसको आप लिखा जा सकता है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, नजर आएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर टू जी एच, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। देखो ध्यान देना, अगर आपको डिस्चार्ज निकालना हो तो डिस्चार्ज के लिए क्या कर सकते हो, देखो पाइप का एरिया तो पता है, पाइप का एरिया भी पता है, थ्रोट का एरिया भी पता है, ये वेंचुरी मीटर की निशानी है, वेंचुरी मीटर कितना बड़ा होता है, इनलेट पर पाइप की डायमीटर के बराबर होता है, तो वेंचुरी मीटर का जो साइज होगा उससे पाइप की डाया पता है, तो आपको डी वन भी पता है, आपको डी टू भी पता है, वेंचुरी मीटर पर लिखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में एरियाज तो पता है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा क्या, तो आप चाहे तो वेलोसिटी वी वन निकाल लो, आप चाहे तो वेलोसिटी वी टू निकाल लो, कोई भी एक वेलोसिटी निकाल लो और आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे डिस्चार्ज लगाने निकालने के लिए या तो ए वन, ठीक है, स्मॉल लेटर्स से मैंने रिप्रेजेंट किया था, तो लेट से कि ये ए वन वी वन निकाल देंगे, या फिर हम डिस्चार्ज निकालते समय ए टू वी टू लगा देंगे, जो भी आप निकालना चाहो वो लगा सकते हैं ना। हमने बोला था वेंचुरी मीटर से डिस्चार्ज मेजर होगा, डिस्चार्ज मेजर फाइनली हमें करना है, डिस्चार्ज वाली इक्वेशन बनानी है, एरियाज हमारे पास में है डायमीटर की फॉर्म में, है ना, निकाल लेंगे। वेलोसिटी इस इक्वेशन से या तो वी वन की टर्म्स में ले आओ सिर्फ, या फिर v2 की टर्म्स में ले आओ। अब एक और इक्वेशन मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है, वो इक्वेशन कहां से आएगी, हमेशा कंटिन्यूटी इक्वेशन। एक इक्वेशन तो हमेशा बर्नौली से बनेगी, दूसरी इक्वेशन कंटिन्यूटी से बनेगी, बर्नौली के साथ कंटिन्यूटी मैक्सिमम टाइम लगती है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यही तो है, a1 v1 is equal to a2 v2, है ना, a1 v1 is equal to a2 v2, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो यहां से किसी भी एक को रिप्लेस करवा दो, तो v1 is equal to a2 divided by a1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय v2, ठीक है, जो v1 होगा वो a2 डिवाइडेड बाय a1 मल्टीप्लाइड बाय v2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में v2 की जगह v1 की जगह हम रिप्लेस करवा देंगे, दिस इज a2 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v2, है ना, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2gh। क्या करें देखो जरा, v2 आ जाएगा क्या आपका, v2 आ रहा होगा अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए टू बाई ए वन का स्क्वायर। देखना जरा सब लोग, यही आ रहा है क्या, आपकी जो इक्वेशन आ रही है वही आ रही है, जो वेलोसिटी वी टू है वो इतनी आई, कोई भी एक निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वी वन निकालना चाहे वी वन निकाल दो, वी टू निकालना चाहे वी टू निकाल दो, हमने कोई भी एक निकाल दिया, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में आप चाहते तो आप वी टू का एक्सप्रेशन बना लेते वी वन की टर्म्स में, फिर वी टू को रिप्लेस करवा देते तो वी वन आ जाता। अब क्या करें बताओ जरा, हमें निकालना क्या है, डिस्चार्ज v2 को किससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, एरिया से, a2 से, है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से हम डिस्चार्ज निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू a2 मल्टीप्लाइड बाय v2, और इसमें आप एलसीएम भी ले लेना, है ना, तो इक्वेशन बन जाएगी a1 a2 अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। सब लोगों को दिखी क्या ये, हाँ अभी मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर, है ना। लिखो, ये जो इक्वेशन आपने निकाली है, डिराइव की है, ये थ्योरेटिकल इक्वेशन और बर्नौली से डिराइव की है, एक्चुअल इक्वेशन हमने यूज नहीं की, यानी कि एनर्जी के लॉसेस कंसिडर नहीं की है, तो इस वजह से ये जो डिस्चार्ज आता है इसको कौन सा डिस्चार्ज कहते हैं, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, है ना, ये कहलाता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज थोड़ा सा कम होता है ना, एक्चुअल डिस्चार्ज कम क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी के लॉसेज हो रहे हैं, है ना, एनर्जी के लॉसेज हो रहे हैं, एक्चुअल में तो एनर्जी के लॉसेज आएंगे, बर्नौली में एनर्जी बराबर की है आपने, तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से एक्चुअल डिस्चार्ज जब निकाला जाता है एक कॉफिशियंट लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। तो एक्चुअल डिस्चार्ज इज कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, है ना, तो आपके पास में ये बन जाएगा सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। जो आपका डिस्चार्ज बनाया है एक्चुअल डिस्चार्ज, उसकी इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे
क्योंकि एंचुरी मीटर के लिए क्या लगेगा, तो आंसर है सी डी टाइम्स ऑफ ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। छोटी छोटी बातें मैंने यूज की, काफी स्टेटमेंट फटाफट दिए हैं, इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से कि हमने एक तो बर्नौली इक्वेशन यूज की जिसमें एनर्जी के लॉसेस कंसिडर नहीं किए, इस वजह से वो थ्योरेटिकल इक्वेशन है। उसके बाद में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज की, एक वेलोसिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया, सिंगल वेलोसिटी में हमारा फॉर्मूला आ गया, जिस भी वेलोसिटी में मतलब जिस भी सेक्शन पर वेलोसिटी निकली है उसी सेक्शन पर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्चार्ज आ जाएगा। ये जो डिस्चार्ज आया है ये बर्नौली की थ्योरेटिकल इक्वेशन से आया है जिसमें एनर्जी लॉसेज हमने कंसिडर नहीं किए थे, इस वजह से ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा। एक्चुअल डिस्चार्ज थोड़ा सा कम होगा, उसके लिए कोफिशिएंट लगा दिया जाता है। अब ये कोफिशिएंट लगभग 0.98 के आसपास होता है, नोट कर लो। दिस कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो 0.98 0.96 के आसपास चलता है ना। जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मिलता है वेंचुरी मीटर के अंदर वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.98 के आसपास होता है। कभी 0.98 देगा, कभी 0.99 देगा, कभी बोल देगा कि नेग्लेक्ट कर दो लॉसेस को। व्हाट इज द मीनिंग कि नेग्लेक्ट कर दो लॉसेस को? सीडी की वैल्यू 1 है ना। अगर इफ द लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, इफ द लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, अगर आप लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दो उसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आया है लॉसेस के कारण आया है, इसको कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, है ना। सीडी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज की कैलकुलेशन में लगे। ऐसे और भी कोफिशिएंट आएंगे, इनको कह रहे हैं हाइड्रोलिक कोफिशिएंट। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट आता है सी 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 बी और सी डी, है ना। डिटेल में आएंगे टॉपिक तब मैं और बताऊंगा आपको, है ना। तो ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इस इक्वेशन में थोड़ा और हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। बोर्ड को साफ मत करना, है ना, एज इट इज। यहीं से मैं डिस्कशन वापस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे।